भाजपा सरकार ने दिया आदिवासियों को बढ़ावा। सागर जिले के जेसी नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत ढकरई में नवनियुक्त सरपंच गायत्री आदिवासी ने कहा है कि आज हम भाजपा सरकार और गोविंद सिंह राजपूत के कारण सरपंच बन पाए हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ आदिवासी सीट आएगी और भाजपा सरकार में आदिवासी सीट आई और हम सरपंच बन पाए। आज देश में भी राष्ट्रपति हमारे आदिवासी समाज के हैं। भाजपा सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो आज आदिवासियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही हमारे यहाँ की जनता ने विकास को वोट दिया है तो हम विकास ही कराएंगे। ढकरई और मुंडरी की जनता की आभारी रहूंगी। सरपंच प्रतिनिधि कुंवर सिंह ने कहा है कि हमारे यहाँ 8 वर्ष में कोई विकास नहीं हुआ था, अब विकास हम लोग करेंगे। यहाँ नाली पुलिया और शिक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे। नमस्कार, इस वक्त हम सागर जिले के जैसी नगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत ढकरई में पहुंचे हैं। यहाँ आदिवासी सीट आई हुई थी। यहाँ के नवनियुक्त सरपंच से हम मिलाते हैं आपको कि जी कैसे अपने यहाँ सरपंच बनी और क्या क्या इनके विचार हैं जो कि विकास कार्यों को लेकर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज जो यहाँ से सरपंच बनी है, आप कैसे सरपंच बनी और आपके कैसी सोच आई आपके मन में कि हम एक सरपंच बने? हम गरीब हैं, हम सरपंच हुए हैं, सब गांव को ने विकास किया है। ढकरई से भी हमको विकास किया है, ढकरई के और दो दो गांव के सब ने सहयोग किया। आप अपनी पंचायत में क्या विकास कराएंगे? यहाँ पर पानी की विकास कराएंगे, पुलियों की पुलियाँ बनवाने हैं, पानी की भी परेशानी है, रोड की भी परेशानी है और ढकरई में भी परेशानी है। और आप लोग जैसे अपने यहाँ स्कूल की व्यवस्था सबसे जर्जर है कि पढ़ाई नहीं होती या कुछ नहीं होता, तो इसमें आप अपने यहाँ की स्कूल की व्यवस्था सुधरवाएंगे, स्कूल की भी बाउंड्री बनवाएंगे, स्कूल को भी अच्छी मंत्री जी से भी व्यवस्था करेंगे। मंत्री जी से भी अब हम यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से मिलाते हैं आपको कि जी क्या कहना चाहेंगे। आज आप जो सरपंच बनी आपकी माता जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हैं, हमारी मम्मी सरपंच बनी, हमें गर्व की बात है कि जो हम सरपंच बने। शुक्रगुजार हम बीजेपी शासन के जो हमारी यहाँ सीट हमारी आदिवासी सीट दी हमारे लिए। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ सीट आदिवासी भेजी जी। बहुत ऋणी हमारे ग्रामवासियों से जो हमारे यहाँ हमें अच्छा सहयोग किया, सहयोग किया। आप कितने मतों से जीते अपने यहाँ जी? हम 123 वोट से जीत हुई हम। अब आप लोगों को आगे का क्या विकास कार्यों को लेकर है निर्णय लिया आपने? जी हम लोगों ने लिया है कि हमारे यहाँ जो भी काम रहेगा हम मंत्री जी से गुजारिश करेंगे, हमारे यहाँ अच्छा विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ पुल भी टूटे पड़े हैं, रोड नाली ये सब काम होना है। हमारी पंचायत में कुछ भी काम नहीं हुआ है 8 सालों में। आपके यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं हो पाया है, सभी पुल टूटे हुए पड़े हैं 8 सालों में। कोई भी आगे देख सकता है, नाली ना और ये पुल, हाँ पुल भी बह गया हमारे यहाँ। ये पुल भी बनवाना है, मंत्री जी से गुजारिश करेंगे अपन के हमारे यहाँ पुल ही बने, पुल की ज़्यादा समस्या है। और मंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मेरा कहना ये होगा मंत्री जी से कि हमारे यहाँ हम लोगों को अच्छा सहयोग करें, आगे चले के उनके लिए जनता बहुत सहयोग से सहयोग कर सके। 2023 में पूर्ण सहयोग करेंगे आप बीजेपी का? जी डांट के करेंगे अपन बीजेपी का। तो यहाँ के सरपंच का कहना है कि 8 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, तो हम वो विकास कार्य कराएंगे और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ विकास में सहयोग प्रदान करें आप। और ये कहे इनका कहने का मतलब ये है कि आदिवासी सीट दी है इन्हें हमें, आज बीजेपी जो सरपंच बन पाए हम बीजेपी सरकार की कृपा से ही सरपंच यहाँ पर बन पाए। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।